So how did non-Malayalis find singing Malayalam songs? Did you enjoy it? Yes. Huh? You enjoyed it? Hmm? Non-Tamilians enjoyed Tamil songs? Huh? We thought you should get a small foretaste of heaven. That is how it is going to be. When we read the book of Revelation, we see that gathered around the throne will be every tribe and every nation. Somehow, even in our resurrection bodies, people will be able to recognize us for who we are. Our ethnic identities will not be lost. So, somehow in heaven, people will be able to tell, oh, this is a Maharashtrian, that's a Gujarati, that's a Malayali, that's a Tamilian. Okay? But redeemed Maharashtrian, redeemed Gujarati, redeemed Malayali, redeemed Tamilian. Okay? Everything that is not right in our ethnic identities would have been removed, and only that which is in Christ will be retained. Okay? So, when we gather together in the presence of the Lord, I'm sorry, I forgot someone was standing next to me. परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि किस प्रकार प्रकाशित वाक्य में दिया गया है कि परमेश्वर के जो जो सिंहासन के जो चारों तरफ सभी भाषाओं के सभी जातियों के लोग खड़े होकर उनकी स्तुति करेंगे. तो वही हम चाहते थे कि किसी प्रकार हमारे उद्धार के बाद जब जब हमें हमारे नए शरीर मिलेंगे तभी भी किसी प्रकार हम एक दूसरे को हमारे भाषाओं से और अपनी अलग अलग जातियों से हम पहचान पाएंगे. परमेश्वर का वचन वो कहता है. लेकिन हम ये पहचानेंगे कि किस प्रकार हम उद्धार किए गए हुए मलयाली या तमिलियन या गुजराती या बंगाली है. तो जो कुछ भी हमारे हमारे जात में हमारी जातियों में और हमारी भाषाओं में जो सही नहीं है इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य में वो सही किया जाएगा. इसी कारण हमने हमारे जो गीत थे उसमें सभी भाषाओं का हमने उसमें डाला था. सो व्हाइल वी आर येट इन द फ्लैश वी कैन वर्क ऑन दोस रफ पैचेस ऑफ आवर एथनिक आइडेंटिटी एंड अलाउ क्राइस्ट टू शाइन थ्रू अस. तो हम जब इस जीवन में ही हम अपना जीवन जी रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हमारे हमारे पहचान में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम यीशु मसीह में उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. सो टुडे वी विल स्प्लिट व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इनटू टू पार्ट्स. हाउ कम इट्स टेकिंग मी सो लॉन्ग टू गेट बेटर. तो आज जो हम देखेंगे उसको हम दो भाग में देखेंगे और उसका शीर्षक है कि क्यों मुझे इतना समय लग रहा है बेहतर बनने में. Has this troubled you? क्या ये प्रश्न हम सबको इसने इस प्रश्न ने कभी परेशान किया है? It's troubled me a lot. Some of you in this hall are very new Christians. हम में से बहुत सारे इस हॉल में जो है वो काफी नए मसीही लोग हैं. You're upset with what, why it is taking so long. और वो लोग भी परेशान है कि इतना समय क्यों लग रहा है. I've been a Christian for over 50 years. और स्टैन अंकल एक 50 साल के ऊपर से मसीही रह चुके हैं. This is still the most disturbing thought. How come it's taking me so long to get better? और अभी भी यही वो सबसे परेशान करने वाला सोच है कि मुझे इतना समय क्यों लग रहा है बेहतर बनने में. We started on a song. हमने एक गीत से शुरुआत की थी. Our hearts were light when we walked out of the water, confessing Christ. Our hearts were light. हमारे जो हृदय हमारे हृदय जो थे वो काफी हम काफी हल्के हृदय से आए थे जब हमारा बपतिस्मा हुआ था. We sing in some of our baptism services. A great change has taken over me. Things I used to do, I do them no more. Books I used to read, I read them no more. Places I used to visit, I visit them no more. Oh,
We sang like that. हमारे बपतिस्मा के जो सर्विस होते हैं उसमें हम ये कई सारे गीत गाते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मुझ में एक बदलाव आया है, जो चीजें मैं पहले करता था वो मैं अब नहीं करता, जो चीजें मैं पहले कहता था वो मैं अब नहीं करता, जिन जगहों पर मैं पहले जाता था वो मैं उन जगहों पर मैं अब नहीं जाता, ऐसे कई बातें हमने कही थी. They told us, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. दूसरे कुरिन्थियों 5:5 अध्याय 17 वचन में कहा है, यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया है. And I remember my Sunday school teacher telling that it's a metamorphosis when you become a Christian. It's like how a caterpillar becomes a butterfly. अंकल को याद है कि उनके संडे स्कूल टीचर ने उनसे कहा था कि जब आप एक मसीही बनते हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, जिस प्रकार वो छोटा सा कीड़ा बदलकर एक तितली बन जाता है. And we were so happy. Oh, I am not that not despicable creature that everyone looks down on and wants to stamp under their feet. I am a butterfly. और हम सब बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि हम वो छोटे से कीड़े नहीं हैं जो लोगों के पैरों के नीचे आके रोंदा जाता है, लेकिन अब हम एक खूबसूरत तितली बन चुके हैं. But there's a question. लेकिन इसके साथ एक प्रश्न है. Did that change really take place? कि क्या वो बदलाव सच में हुआ था? Are you really a butterfly? क्या हम सच में तितली बन चुके हैं? Or are you that caterpillar imagining that you have changed into a butterfly? या फिर हम अभी भी वो छोटे कीड़े ही हैं और हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम तितली बन चुके हैं. That's what everyone tells you. और यही है जो सभी लोग आपसे कहते हैं. But inside you know your thought processes are the same as that of a caterpillar. लेकिन हम अपने अंदर ये जानते हैं कि हमारा जो सोच है, जिस तरह से हम सोचते हैं, वो अभी भी एक कीड़े के समान ही है. We still long for what caterpillars long. We still long for what caterpillars long. हम अभी भी उन्हीं चीजों को चाहते हैं जो एक कीड़ा चाहता है. Our ambitions are. My ambitions are caterpillar ambitions. मेरी जो इच्छाएं हैं और मैं जो करना चाहता हूँ वो सारी इच्छाएं एक कीड़े की इच्छाएं समान हैं. My fears are caterpillar fears. जिन चीजों से मैं डरता हूँ वो सारे जो डर है वो भी उस कीड़े के डर के समान ही है. I can see that though I think of myself as a butterfly, I am no different from the other caterpillars. और मैं ये जानता हूँ कि भले ही मैं अपने आप को एक तितली समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी कीड़ों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ. So we're going to start with a reality check today. तो आज हम एक वास्तविक चीज को देखेंगे. Our Lord Jesus on one occasion said. प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये कहा. Okay, this was after John was put in prison. Jesus went into Galilee. Proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. योहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा. उसने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो. What did the Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What should you do? हमें क्या करना है? Repent and believe the good news. मन फिराना है हमें और सुसमाचार में विश्वास करना है. Some of us we didn't hear the first part. हम में से कुछ लोगों ने पहला भाग नहीं सुना है. Somehow we thought believe the good news. किसी प्रकार हमें ये कहा गया कि जो सुसमाचार है उस पर विश्वास करो. Believe in Jesus Christ, you will be saved. और यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बचाए जाओगे. Either the person who shared the gospel with us. Didn't tell, or we didn't hear it because it's not something convenient to hear. ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ सुसमाचार बांटा
हो सकता है कि उस व्यक्ति ने ही हमें ये बताया ना हो या फिर हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया हो क्योंकि वो एक ऐसी बात नहीं है जो हमें सुनना पसंद है. But it is not Stanley Nelson telling you repent and believe. It is the Lord Jesus Christ telling repent and believe. लेकिन ये कोई व्यक्ति आपसे नहीं कह रहा है कि मन फिराओ और विश्वास करो, पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मन फिराओ और विश्वास करो. But believe is so obvious that often the Lord Jesus did not even mention it. और विश्वास करना जो भाग है वो इतना वो it is so obvious. वो काफी स्पष्ट है, इसके लिए कई बार उन्होंने वो कहा भी नहीं है. He simply said repent. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मन फिराओ. Belief was implied. और जो विश्वास का भाग है वो समझने की बात है. The same episode when Matthew reports it, this is how he puts it. When Jesus heard that John had been put in prison, he returned to Galilee. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. It's the same incident. Matthew is reporting. He doesn't even feel it necessary to mention belief because that is obvious. But what is not obvious and what can easily get missed out is repent. So he mentions it. मत्ती के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. ये वही वही चीज है, वही समय के बारे में कहा जा रहा है. लेकिन मत्ती ने सिर्फ मन फिराओ यही लिखा है, विश्वास के बारे में मत्ती ने नहीं लिखा क्योंकि उसे उसकी जरूरत भी नहीं लगी. उसे लगा कि ये तो काफी स्पष्ट है, लेकिन मन फिराने की जो बात है उसे लगा कि उसे बताना जरूरी है. That's actually a very good idea. When we run out of chairs, people can sit on the window at the back. Look at what James, who James? The brother of our Lord Jesus Christ, that James writes, you believe there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. A person is justified by what he does and not by faith alone. याकूब जो कि प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, उन्होंने इस प्रकार लिखा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर केवल एक है? अद्भुत. दुष्ट आत्माएं यह विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वे कांपती रहती है. केवल विश्वास से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही व्यक्ति धर्मी ठहराता है. Hell will be full of people who have believed. नरक उन सभी लोगों से भरा होगा जिन्होंने विश्वास किया है. Belief which does not have repentance associated with it is not biblical belief. और उस प्रकार का विश्वास जिसमें मन फिराना नहीं शामिल होता है, उस प्रकार का विश्वास जो है वो बाइबल का विश्वास नहीं है. Biblical belief is strongly connected with a life changing experience. और बाइबल में जो विश्वास के बारे में बताया जा रहा है उस विश्वास के साथ एक जीवन परिवर्तन भी साथ में आता है. That is what John preached. और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार किया. What did he preach? Repent for the kingdom of heaven is near. यूहन्ना ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज समीप है. In Luke chapter 13, we read about some people who came to meet the Lord Jesus Christ. लुका के 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. उस समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने यीशु को उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका रक्त पिलातोस ने उनकी बलियों के साथ मिला दिया था. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way?" So यीशु ने उनसे कहा, "तुम क्या सोचते हो कि ये गलीली दूसरे सभी गलीलियों से
बुरे पापी थे क्योंकि उन्हें ये बातें भुगतनी पड़ी. But unless you repent, you will all perish. यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी वैसे ही मौत मरोगे. Why doesn't he say unless you believe? और वो यीशु मसीह ऐसा क्यों नहीं करते कि जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे. The way most people understand the word believe, there's another English word for it, knowledge. Belief in the Bible is not to be confused with knowledge. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो विश्वास के बारे में बाइबल बताती है वो विश्वास ज्ञान के बारे में कुछ कुछ समझने के बारे में, लेकिन वो अलग है उससे. I know all people will go to hell unless they turn to God. I know all people will go to hell unless they turn to God. हम ये जानते हैं कि सभी लोग नरक में जाएंगे अगर वो परमेश्वर की ओर ना मुड़े तो. That is knowledge. That's not faith. और वो ये सिर्फ हमारा ज्ञान है, वो विश्वास नहीं है. I know that if I believe in the Lord Jesus Christ, I will be saved. मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा तो मैं बचाया जाऊँगा. That is knowledge. ये भी ज्ञान है. Okay. It is not faith. और वो विश्वास नहीं है. Faith in the Bible is very strongly linked with repentance. बाइबल में जो विश्वास है वो बहुत मन फिराने के साथ बहुत जुड़ा हुआ है वो. You cannot have one without the other. और हम कोई एक विश्वास या मन फिराना किसी दोनों में से कोई एक ही हम चुनाव नहीं कर सकते. In the book of Revelation chapter 9 we read about the great tribulation. प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में हम एक बहुत ही बुरे समय के बारे में पढ़ते हैं. God pours out his wrath on the earth. और परमेश्वर जो अपना क्रोध है वो पूरे पृथ्वी पर अपने क्रोध को भेजता है. एंड द अर्थ इज विजिटेड बाय कैलामिटी आफ्टर कैलामिटी. और पृथ्वी पर जो है एक के बाद एक बुरी बातें होते रहती है. एंड देन एट द एंड ऑफ इट द स्पिरिट ऑफ गॉड सेज दैट दिस इज व्हाट विल हैपन. और उसके बाद परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें बताती है कि इसके बाद ये सारी चीजें होंगी. The rest of mankind that were not killed by these plagues still did not repent of the work of their hands. इस पर भी बाकी के ऐसे लोगों ने जो इन महाविनाशों में से भी नहीं मारे जा सके थे उन्होंने अपने हाथों से किए कामों के लिए अब भी मन न फिराया. They did not stop worshipping demons and idols of gold, silver, bronze, stone and wood, idols that cannot see or hear or walk, nor did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality or their thefts. तथा भूतों प्रेतों की अथवा सोने चांदी कासे पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तियों की उपासना नहीं छोड़ी जो ना देख सकती है ना सुन सकती है और ना ही चल सकती है. उन्होंने अपने द्वारा की गई हत्याओं जादू टोनों व्यभिचारी अथवा चोरी चकारी करने से मन नहीं फिराया. Does God say, still people didn't believe? क्या परमेश्वर ये बताते हैं कि फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया? Oh, they believed. उन्होंने विश्वास जरूर किया. In the sense in which we use the term mostly. उस उनका जो विश्वास है वो उस प्रकार का विश्वास है जो हम जो सादे रूप में हम देखते हैं. They ran to the rocks and said, "Fall on us." उन्होंने पत्थरों के पास जाकर कहा कि हम पर गिर जा. Hide us from the wrath of him who is seated on the throne. और हमें जो सिंहासन पर बैठा है उसके क्रोध से हमें बचा ले. Did they believe? क्या उन्होंने विश्वास किया? Yes. हाँ, उन्होंने विश्वास किया. In the knowledge sense of the word believe. और उनका जो विश्वास था वो ज्ञान था. But what they did not do was they did not repent. लेकिन जो उन्होंने नहीं किया वो ये था कि उन्होंने मन नहीं फिराया. Since idolatry is mentioned over here, let's take a look. Please be careful about wires on the floor. An idol, what is an idol? It's a false god. एक मूर्ति जो है वो एक एक झूठा देवता होता है.
It is an object of honor instead of giving honor to God. That object takes the honor. और मूर्ति एक ऐसी वस्तु है जिसे आदर दिया जाता है वो आदर जो परमेश्वर को देना चाहिए. An idol is an object of trust instead of God. और जो मूर्ति है वो ऐसी वस्तु है जिस पर भरोसा रखा जाता है जो भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए. An idol is an object of love instead of God. और मूर्ति एक ऐसी चीज है जिस पर प्रेम रखा जाता है वो प्रेम जो परमेश्वर पर होना चाहिए. It is an object of my loyalty instead of giving my loyalty to God. और वो एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर हम अपनी निष्ठा रखते हैं जो निष्ठा हमें परमेश्वर पर रखनी चाहिए. We often think of objects made of stone or wood or clay as idols. अक्सर हम समझते हैं कि कोई एक ऐसी एक मूर्ति जो लकड़े या सोने या पत्थर से बनी हुई है वो ही एक मूर्ति है. That is true. और वो सच भी है. As are objects of love, honor, loyalty, which are entirely of our imagination. और ऐसे भी चीजों को हम मूर्ति मान सकते हैं जो जिसके प्रति हम सम्मान देते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस पर हम प्रेम रखते हैं और जिस पर हमारी निष्ठा होती है. Sadly, this month many Christian parents will tell their children to ask Santa rather than ask God. To look ahead to Santa meeting their heart's desires than God. और ये आने वाले दिसंबर के महीने में ये दुख की बात है कि कहीं माता पिता अपने बच्चों से कहेंगे कि सेंटा क्लॉस से चीजें मांगो, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो परमेश्वर से नहीं. वो कहते हैं कि सेंटा क्लॉस तुम्हें वो चीजें देगा. सेंटा इज अ फॉल्स गॉड. तो इस प्रकार सेंटा क्लॉस जो है वो भी एक मूर्ति है, एक झूठा देवता है. Let us not take away from our children's hearts what is rightfully belonging to God. तो ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों के दिलों में से परमेश्वर के लिए जो सम्मान होना चाहिए वो हम उनके दिलों में से निकाल दें. God spoke to the prophet Ezekiel and said, "Son of man, these men have set up idols in their hearts." परमेश्वर ने जो यजकेल नबी था उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र, ये व्यक्ति उनके दिलों में मूर्तियां स्थापित किया है उन्होंने. Idols in the heart. Idols don't have to be objects. तो ये जो मूर्तियां ये दिलों में है उन्हें एक बाहरी वस्तु होने की जरूरत नहीं है. Isn't money one of them? क्या जो पैसा है वो भी एक मूर्ति नहीं है? People love money, people trust money. People honor money. लोग जो पैसा है उस पर भरोसा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उसके प्रति उनकी निष्ठा होती है. And here are a few others. और ये कुछ और यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ऐसी चीजें जो मूर्तियां हो सकती है. Education, career, hobbies, a person, even our own family can take the place of honor, love, trust and devotion instead of God. They can become our idols. तो ऐसी कई सारी चीजें जैसे कि हमारी हमारी जो पढ़ाई हुई या फिर हमारे जो शौक होते हैं या फिर हमारे घर पे कोई हमारे लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, ये सभी चीजें मूर्तियां हो सकती है हमारे जीवन में जो परमेश्वर के लिए जो सम्मान, जो प्रेम, जो निष्ठा हमारे मन में होनी चाहिए, इन सभी चीजों के लिए भी हो सकती है और वो चीजें हमारे लिए मूर्तियां बन सकती है. What does it mean to repent? और मन फिराना इसका मतलब क्या होता है? Repentance is not mere regret. मन फिराना जो है वो बस एक छोटा सा खेद नहीं है जो हम महसूस करते हैं. I regret I have done something. हम कहते हैं कि हमें खेद है कि हमने कुछ किया. Repentance is not to be confused with self-pity. और मन फिराना जो है वो स्वयं पर दया दिखाना भी नहीं है. Repentance is not doing penance. You do something to compensate for the wrong that you have done. और मन फिराना ऐसे कार्यों को भी करना नहीं है
जो हमने जो गलत चीजें की है उन्हें सही करने के लिए कुछ काम अगर हम करें तो वो भी मन फिराना नहीं है. We read in the Bible of the godly sorrow that brings repentance, that leads to salvation and leaves no regret. बाइबल हमें बताती है कि ईश्वरीय दुख जो है वो ऐसे मन फिराव को जन्म देता है जिसके लिए पछताना नहीं पड़ता और जो मुक्ति दिलाता है. Godly sorrow. ईश्वरीय दुख. It is sorrow that is centered on God. और इस प्रकार का जो दुख है ये परमेश्वर पर निर्भर होता है. It is not centered on me. और ये मेरे ऊपर नहीं होता है. It does not think about me. और ऐसा जो दुख है वो मेरे बारे में खुद के बारे में नहीं सोचता. It is true that because I am a sinner, I am going to suffer for eternity in hell. But godly sorrow does not focus on my suffering. Godly sorrow does not focus on my suffering. ये सच बात है कि हमारे पाप के कारण हमें परमेश्वर से दूर नरक में जाना पड़ सकता है, लेकिन जो ईश्वरीय दुख जो होता है वो मेरे यातनाओं पर केंद्रित नहीं होता. The focus is not on me. और इस प्रकार के दुख का जो केंद्र है वो स्वयं पर नहीं होता. The focus of godly sorrow is God. और इस प्रकार का जो दुख है उसका मुख्य केंद्र परमेश्वर होता है. It is a sorrow that recognizes that God is great, He is glorious, He is so loving, He is so good, and I have sinned against this great, good, wonderful God. और इस प्रकार का दुख हमें ये एहसास दिलाता है कि परमेश्वर भले है, वो महान है, वो पवित्र है, और ये दुख हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि इतने अच्छे परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किए हैं. I am not thinking about myself, but I am thinking about how much I have disgraced God by my life, how much I have pained His heart because He made me and sustains me. तो इस प्रकार का जो दुख है वो मेरे ऊपर केंद्रित नहीं होता, वो मुझे ये एहसास दिलाती है कि किस प्रकार मैंने अपने जीवन से और अपने पापों से इतने भले परमेश्वर को दुख दिया है. It seeks to put an end to this. और इस प्रकार का जो दुख है वो इस इन कार्यों पर एक रोक लगाने की कोशिश करता है. I don't want to keep doing this. और वो दुख हमें बताता है कि हमें ऐसी चीजें आगे करते रहने को हमें नहीं करना चाहिए वो चीजें. That God will have mercy on me, that He will forgive me, that He will take me to be with Him forever in heaven, that is not even in my thought. My thought is about I am grieving this great, good, wonderful God, and I want to stop doing it. और ये उन चीजों को हमें ध्यान में नहीं लाता कि मैं मुझे क्षमा मिलेगी, मुझे मुक्ति मिलेगी और परमेश्वर मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान लगाती है कि मैंने इतने भले परमेश्वर को दुख दिया है. That is what repentance is. और यही सच्चा मन फिराना होता है. And it is this repentance that lays the foundation for salvation. और यही वो मन फिराना होता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अधीन होने के लिए तैयार होते हैं. You like this picture? ये चित्र हम देखेंगे यहाँ पर. Can you see the pig is happy? Look at the look on his face. हम देखेंगे किस प्रकार ये जो सुअर है वो काफी खुश है. राइट, यू टेल हिम कम आउट ऑफ दैट फिल्थ, ओह ही इज नॉट इंटरेस्टेड. और अगर हम इस सुअर से कहते हैं कि तू उस जो कचरा है उसमें से बाहर आ जा, तो उसे बाहर आने की कोई इच्छा नहीं होगी. ही इज लविंग इट, क्योंकि उसे वो पसंद है. टू गेट हिम आउट यू विल हैव टू थ्रेटन हिम, एंड दैट्स हाउ वी आर स्पिरिचुअली. So some people hold the prospect of eternity in hell to get spiritual pigs out of the filth they are wallowing in.
तो इस सुअर को इस गंदगी से बाहर आने के लिए किसी प्रकार का एक डर दिखाना जरूरी है, तो ही वो बाहर आएगा। और उसी प्रकार कई लोगों को नरक में जाने का डर दिखाया जाता है कि अगर तुम उस पाप से बाहर नहीं आओगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। रिपेंटेंस इज रियलाइजिंग दैट द वन हु मेड मी एंड टेक्स केयर ऑफ मी डिड नॉट मेक मी एंड टेक केयर ऑफ मी सो दैट आई विल वॉलो इन दिस। जो मन फिराना, सच्चा मन फिराना ये होता है कि हम समझते हैं कि उस परमेश्वर ने जिसे हमें बनाया और जो हमारी देखभाल करता है, वो नहीं चाहता कि हम इस प्रकार की गंदगी में रहे। आई वॉन्ट टू स्टॉप डूइंग इट, और मैं चाहता हूं कि मैं वो ये सारी चीजें करना बंद करूं। नॉट बिकॉज आई हेट द फिल्थ, नॉट बिकॉज आई हेट द फिल्थ, इसके लिए नहीं क्योंकि मैं गंदगी से नफरत करता हूं, बट बिकॉज आई हेट द सोरो इट गिव्स द वन हु क्रिएटेड मी। लेकिन इसलिए क्योंकि मैं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं कि वो जो गंदगी है वो मेरे परमेश्वर को दुख देता है जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है। एंड आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप ग्रीविंग हिज हार्ट। और मैं उस गंदगी से बाहर आना चाहता हूं क्योंकि मैं उस परमेश्वर को दुख देना बंद करना चाहता हूं। And that is what true repentance is. और यही सच्चा मन फिराना है। It leads to salvation. और उस प्रकार का मन फिराना उद्धार के तरफ ले जाता है। The Lord Jesus warned about the two gates. और प्रभु यीशु मसीह ने दो दरवाजों के बारे में बताया। And he urged us to enter through the narrow gate. और उसने हमसे कहा कि जो सूक्ष्म मार्ग है उसमें से प्रवेश करो। He said, "Wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it." और उन्होंने कहा कि चौड़ा द्वार जो है वो काफी बड़ा मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं। But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. किंतु कितना सकरा है वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है, बहुत थोड़े से ही है वो लोग जो उस पर आ रहे हैं। I want to urge you, don't look at what the world is doing. तो हम कहेंगे कि जो दुनिया कर रही है उसके तरफ हम ना देखें। There are people who have entered through the broad gate and are heading towards destruction. वो ऐसे लोग हैं जो इस चौड़े द्वार के द्वारा जा रहे हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। Don't even look at majority Christians. और जो मसीही, जो ज्यादातर मसीह है, उनके तरफ देखो भी ना। They also are on the broad way that leads to destruction. क्योंकि वो लोग भी उसी चौड़े द्वार से जा रहे हैं जो विनाश की ओर जाती है। Christ is not going to widen this door, broaden the way, so as to accommodate more people. He is not going to change his standards. और यीशु मसीह जो है इस छोटे से द्वार को बड़ा नहीं करने वाले ताकि ज्यादा लोग उसके द्वारा अंदर जा सके। वो अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी उन्हें कभी बदलने नहीं वाले। He says, "Has not my hand made all these things?" And so they came into being. परमेश्वर कहते हैं, मैंने स्वयं ही ये सारी वस्तुएं रची है, ये सारी वस्तुएं यहाँ टिकी है क्योंकि उन्हें मैंने बनाया है। Then he declares, "This is the one I esteem. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." मुझे बता कि मैं कैसे लोगों की चिंता किया करता हूँ। मुझको दीन हीन लोगों की चिंता है। यही वो लोग हैं जो बहुत दुखी रहते हैं। The heart that is broken, contrite over the grief that it has caused its creator and sustainer, that heart is ready for the salvation of God. और ऐसे हृदय जो दुखी है, जो इस बात से काफी दुखी है कि उन्होंने अपने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है, केवल इसी प्रकार के जो हृदय है वो उद्धार के लिए तैयार है। एंड टू द पर्सन हु बिलीविंग टर्न्स फ्रॉम हिज सिन, व्हाट डज गॉड डू? इमीडिएटली, यस,
और उस प्रकार के जो लोग हैं जो इस प्रकार का हृदय रखते हैं और उद्धार के लिए तैयार है, उन लोगों के लिए परमेश्वर जो है तुरंत ही अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के फ्रीली मुफ्त में कंप्लीटली पूरी तरह से एंड परमानेंटली और निरंतर के लिए फॉरगिव्स उनको क्षमा करता है. Have you experienced this? क्या हमने इस बात को महसूस किया है? To them, he imparts a new life. और ऐसे लोगों के लिए वो एक नया जीवन प्रदान करते हैं. The caterpillar who despised being a caterpillar. और जो कीड़ा है वो कीड़ा बने रहने के लिए उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. God in mercy grants the grace to become a butterfly. और परमेश्वर अपनी दया से उन्हें एक तितली बनने की अनुमति देते हैं. He gives us a new life. We are born again. और परमेश्वर हमें एक नया जीवन देते हैं. हम फिर से जन्मे हुए हैं. And we experience the power to overcome sin in our lives. और हम उस शक्ति का अनुभव करते हैं जिसके द्वारा हम पाप को हमारे जीवनों से हटा सकते हैं. And so, we gather at the table today. और इसी कारण हम प्रभु भोज के लिए यहाँ पर एक साथ आएंगे. There will be a loaf of bread here. यहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा होगा. And a jug of wine. और एक दाखरस का कप भी होगा. The bread will represent the body of Christ. जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाती है. The wine represents the blood of the Lord Jesus Christ. और जो वाइन है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रक्त को दर्शाती है. And all butterflies are welcome to partake of the bread and the wine. और जो भी मसीह में है वो सभी का स्वागत है कि वो प्रभु भोज में शामिल हो. Not a good translation. All the butterflies. तो जो सारे तितलियां हैं उनका स्वागत है कि वो प्रभु भोज में शामिल हो. Meaning, those who believing turn from their sin and have experienced new life in Christ Jesus are welcome to the Lord's table to remind ourselves that on that day we were immediately, unconditionally, freely, completely and permanently forgiven by God. तो हम में से जिन लोगों ने परमेश्वर के दया का महसूस किया है, अपने पापों से मन फिराव किया है, उन सभी का स्वागत है ताकि हम प्रभु भोज में एक साथ इकट्ठे हो और उन सभी चीजों को जो हमने अपने जीवनों में अनुभव किया है कि परमेश्वर की जो माफी है, हमने वो जो पांच चीजें हमने देखी थी उस प्रकार हमने अनुभव किया है. Request brother Raju to come here and perhaps the choir can also join. Come.